लगातार हमारे साथ ही मिश्रा जी भी बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से रिजल्ट सामने आया है, बीजेपी ने एक बार फिर से गुजरात में भी और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी अपनी जो सत्ता है वो बना ली है, क्या इसे माना जाए? गुजरात की अगर बात की जाए तो ये विकास के दम पर हुआ है या कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी में जो कमियां थी वो अभी भी सही ढंग से नहीं भर पाई है, उसका ये रिजल्ट सामने माना जाए? देखिए, गुजरात की जीत और जो अभी आप आंकड़े दिखा रहे हैं, जैसे बीजेपी 103 है, हिमाचल का 76 है, मेरे लिए ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी। लगभग एक डेढ़ महीने पहले ही लाइव इंटरव्यू में मैंने बोला था कि बीजेपी गुजरात में लगभग जो है 110-115 प्लस माइनस 10-15 का रेशियो रहेगा। गुजरात में बीजेपी की जीत का अगर मेरे से पूछा जाए कि इसके मायने क्या है और ऐसा क्यों हुआ, तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा, आपकी जीत तभी सुनिश्चित होती है कि आपके अपोजिशन में जो आपका राइवल है, जो आपका चैलेंजर है, वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि जो राइवल थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे और इसी बेसिस पे डेढ़ महीने पहले, दो महीने पहले मैंने ये बोला था। फिलहाल मैं ये बोलना चाहूंगा कि बीजेपी के लिए अगर मैं कुछ बोलना चाहूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि ये चुनाव वो जीत करके भी हार गए, क्योंकि बीजेपी में मोदी मैजिक और इन सब चीजों की बात अगर मैं करूं तो वो तब मैं मानता कि बीजेपी ये चुनाव जीत गई है, वो इसलिए कि 135 प्लस जाता, 107, 110, 115 का मतलब है कि पब्लिक के पास एक तो ऑप्शन नहीं था, आपका राइवल बहुत कमजोर था। हालांकि मैं बीजेपी को बधाई देता हूं, अल्टीमेटली लड़ाई में जो जीता वही सिकंदर वाला जो है फार्मूला होता है, लेकिन मैं स्ट्रेटेजिक स्किल और इन सब चीजों की बात करूं तो ये तो मैं बोलूंगा कि पिछले सालों के या पिछले चुनावों के जो है रिजल्ट को उन्होंने कैरी आउट कर लिया है। एडिशनल न्यू इनोवेटिव कुछ भी नहीं है। अगर 115 117 जाता है और एक भी सीट का वैल्यू एडिशन नहीं होता है तो ये एक क्वेश्चन मार्क बीजेपी जैसे धुरंधर पार्टी और स्ट्रेटेजिस्ट की जहां पूरी टीम बैठी है उनके लिए है, और उसमें मानना पड़ेगा कि अब की बार ये चैलेंज बहुत स्ट्रांग था। एक बार फिर मैं बोलना चाहूंगा बीजेपी के लिए, उनको हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगा, और अपोजिशन के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आपने लड़ा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ध्यान रखिए इलेक्शन आपको 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है, तो लड़िए, तो केवल जीत के लिए लड़िए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। सर जी, तो एक ही मिश्रा जी, क्या मानते हैं आप, विकास के दम पर ये नतीजे नहीं आए, कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर थी इसकी वजह से इस तरह के कुछ नतीजे सामने नहीं? विकास के दम का जो है वो उतना तो मुझे नहीं लगता है कि वो उतना जो है अट्रैक्टिव पॉइंट था। देखिए, ये विकास के दम वाली बात से बीजेपी को लॉस हुआ है। अगर ये पिछला केवल पिछले इलेक्शन तक के रिजल्ट को मेंटेन रखते हैं तो विकास की जो मुहिम चलाई थी ये उसी का एक रिजल्ट है कि ये इतने पे जाकर के इनको चेक कर पाए हैं जो अपोजिशन थे और कांग्रेस थे। बीइंग अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट या पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, वहां पे बीजेपी के वापस सत्ता में और सेम नंबर के साथ आने का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि जनता जाए तो कहां जाए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप उस सेशन में नहीं थी, डिफेंस पैराडॉक्स एक होता है जिसमें ये होता है कि जनता के पास बीजेपी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष के जितने भी लोग थे, कांग्रेस और जितने दो तीन हार्दिक पटेल जिग्नेश वगैरह थे, ये अपने आप को अगर अच्छे विकल्प के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं ना तो बीजेपी हार भी सकती थी। इसका एग्जांपल है दिल्ली ने, अरविंद केजरीवाल ने यही किया, वहां पब्लिक को एक अच्छा और स्ट्रांग विकल्प वहां पे मिला और बीजेपी का चूपड़ा साफ हो गया था। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में बात की जाए, वहां पर भी तो बीजेपी की जीत हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वहां पे हिमाचल प्रदेश में देखें तो बीजेपी की जीत वो बट नेचुरल थी, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 5 साल 10 साल कांग्रेस का वो था, बहुत सारे जो कांग्रेस के जो लीडर थे उनके ऊपर बहुत सारे आरोप वगैरह लगे थे, क्या सही है क्या गलत है वो नहीं है। और दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है जिसको कि टेक्निकली देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बोलते हैं, तो कांग्रेस के पास मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी को मैनेज करने के लिए अभी भी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी एक बहुत बड़ा जीत का वहां पे हाथ है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा, हर उस जगह पे जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वहां वो पार्टी हार गई। बीजेपी का आप एग्जांपल लीजिए, आसाम में 10-15 साल से कांग्रेस की सरकार थी तो मुद्दे बना करके बड़े आसानी से वो जीत गए। अगर देखिए बीजेपी का एंटी, उनका खुद का एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, यहां पे ये उतनी जबरदस्त जीत नहीं ले पाया जितना कि ये आसाम वगैरह में ले पाए थे, सुपड़ा साफ करना जिसको बोलते हैं, क्लीन स्वीप का। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की जीत वहां पे हिमाचल प्रदेश की जीत को तो मैं नेचुरल जीत इसलिए मानूंगा क्योंकि मैदान में कोई था ही नहीं आपसे लड़ने के लिए, और जो था भी वो ऑलरेडी हार मान चुके थे।
वहीं अगर चलिए गुजरात की बात की जाए तो क्या लगता है, एक कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी दी है, क्या बीजेपी को उम्मीद थी इस कड़े मुकाबले, इस टक्कर की? नहीं, देखिए बीजेपी को यह आभास तो हो ही गया था लगभग डेढ़ दो महीने पहले, और उसके साथ साथ देखिए बीजेपी भी, सारी पार्टियां इस चीज को समझती हैं और सारे एनालिस्ट भी समझते हैं। बीजेपी को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि हम वहां पे पिछले 22 सालों से है, एंटी इनकम्बेंसी है ही। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो देखिए काट की हाड़ी को बार बार नहीं चला, अब इन्होंने विकास के मुद्दे को पूरे देश में बहुत इनकैश कर लिया था। चलिए यूपी में अगर आप इनकैश करिए तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है, क्योंकि यूपी वाले लोग गुजरात तो जाते नहीं है, बहुत कम ऐसे हैं, तो उनको क्या पता, जो पिक्चर आप दिखाओगे वो देख करके लोग कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन खुद गुजरात में गुजरातियों को ही विकास का अगर आप मुद्दा दिखाते हो तो वहां पे बहुत सारे लोग जानते हैं कितना विकास हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, मैं इन सब चीजों में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल स्ट्रेटजिक एनालिसिस कर रहा हूं। तो ये जो 102 या 115 तक अगर बीजेपी वहां पे सिमटती है, मैं फिर बोल रहा हूं जीत के लिए बहुत बहुत उनको बधाई, हमारी शुभकामनाएं, लेकिन 115 तक अगर ये जीतती है तो इसको मानना पड़ेगा कि गुजराती लोगों को जो वहां के नेटिव है, मतलब वहां हमेशा रहते हैं, उनको उन्होंने इतने इफेक्टिव तरीके से जो है विकास के मुद्दे को नहीं लिया, नहीं तो ये चले जाते 135 150 के पार ये चले जाते। वही है कि मिश्रा जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा भी बड़े जोरों शोरों से उठाया था, उसके बाद जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं तो क्या माना जाए जीएसटी के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को क्लीन चिट यहाँ मिल गई है? देखिए क्लीन चिट तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, स्पेशली नोटबंदी को लेकर के, लेकिन सवाल ये है हर चीज, देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहाँ पे 4-5 पार्टियां हैं, मतलब अगर गुजरात की बात करें तो वहां पे 3 लोगों का था, हार्दिक पटेल का अपना, जिग्नेश वगैरह कांग्रेस वगैरह का अपना था, तो मिनिमम अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगुलर मुकाबला था। अब क्वेश्चन ये है कि केवल मुद्दे उठा लेना, रैली कर लेना सफिशियंट नहीं है, आपके मुद्दे में भार कितनी है, कॉन्टिन्यूटी कितनी है, टिल वोटिंग डेट तक आप उसी जो है डेंसिटी के साथ, ग्रेविटी के साथ आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो कांग्रेस के अंदर मुझे लगता है कि रणनीतिक रूप में एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपकी पॉलिसीज है, जो आपकी कैंपेन है, उनकी एग्जीक्यूशन स्किल में थोड़ी कमी है। अगर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया होता तो रिजल्ट कांग्रेस के लिए और बेहतर होते। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, कांग्रेस की अपनी जो पॉलिटिकल पोजिशनिंग है वो इतनी कंफ्यूज टाइप की है, जब नोटबंदी हुई थी तो पहले बोला गया कि हम ये मनाएंगे सारे विपक्ष ने मिलके, मुझे अच्छी तरीके से याद है शोभा ओझा मैम जो है उन्होंने बोला नहीं 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 हम ये नहीं मनाएंगे, हम आक्रोश दिवस मनाएंगे। तो जब आप खुद क्लियर नहीं हो कि आप क्या करना चाहते हो, आपके एजेंडा क्या है, आपका टारगेट क्या है, तो पब्लिक या वोटर उनके अंदर जो एक बाइंडिंग फैक्टर होता है, जो अट्रैक्ट आपके पार्टी की होलसम अट्रैक्टिवनेस जो होती है वो खत्म हो जाती है या वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से बहुत आगे है, मैं बोलना चाहूंगा, ये बहुत सधे हुए तरीके से मुद्दों को उठाते हैं, काफी एनालाइज करके उठाते हैं और एक मुद्दा अंत तक ये लेकर के जाते हैं, बीच में वो कमजोर नहीं होने पाता है। ये भी बीजेपी के जीत का एक रीजन है, और डेफिनेटली जीएसटी और ये सब बीजेपी का 115 तक सिमटना, जो भी अभी रिजल्ट आएंगे वो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे फैक्टर है, जिसमें नोटबंदी भी एक है और जीएसटी भी एक है। बिल्कुल वही है कि मिश्रा जी, अगर देखिए माना जाए तो जिस तरह से कड़ा मुकाबला कांग्रेस ने दिया है, एक कड़ी टक्कर इसे माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो फैसला कांग्रेस ने लिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर राहुल गांधी को बनाया, उसका भी रिजल्ट इसे कहीं ना कहीं माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में निखर के आई है। तो क्या लगता है अगर ये जो फैसला था थोड़ा समय पहले ले लिया जाता था तो ये रिजल्ट क्या बदल सकते थे? गुजरात के लिए तो मैं बोलूंगा मैम ये फैसले नहीं बदल सकते थे, उसका रीजन है, देखिए इसका एक बड़ा सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल समझिए, जो पेड़ जहां पे उगा है, जैसे अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो खुद गुजरात के हैं और गुजरात से ही बीजेपी स्ट्रांग होना शुरू हुई है मोस्टली अगर देखा जाए, या नरेंद्र मोदी जी स्ट्रांग होना शुरू हुए हैं, तो उन्हीं के किले में घुस करके चुनौती देना, ये देखिए ये इसमें एक साइंटिफिक वो होता है कि जब आप जो आपका दुश्मन है उसके किले में आप लड़ाई के लिए जाते हैं तो सीधे सीधे 1:3 का रेशियो होना चाहिए, यानी अगर आपके रिसोर्सेज, आपका इफर्ट वन, आपके राइवल का इफर्ट यानी बीजेपी का इफर्ट 1 है, तो आपको 3 times ज्यादा इफर्ट और रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि किसी के किले में घुस के, अब जैसे अमेठी में घुस करके स्मृति ईरानी मैम जो थी वो नहीं हरा पाई, हार गई ना बीजेपी, तो किसी के किले में घुस करके उसको हराना एक बहुत टिपिकल टास्क होता है, और ये एक फैक्टर कांग्रेस के लिए था, अगर ये फैक्टर नहीं होता तो हो सकता है कांग्रेस सरकार बना जाती वहां पे।
वहीं मिश्रा जी, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं, क्या लगता है उन पर इसका कितना असर पड़ेगा? ये जो जीत बीजेपी की कह सकते हैं मिली है, कितना असर इसका उन चुनावों पर? इसमें दो फैक्टर है। अगर मैं सारे अपोजिशन की पार्टियों की बात करूं, इंक्लूडिंग कांग्रेस और जो रीजनल मतलब क्षेत्रीय सत्रफ है पार्टियां समाजवादी वगैरह, अगर इन्होंने अपने ओवरऑल जो है मोडस ऑफ ऑपरेंडी में, पॉलिटिकल मोडस ऑफ ऑपरेंडी में स्ट्रेटेजिक माइक्रो लेवल पे चेंज नहीं किया, तो इसका जबरदस्त इंपैक्ट कमिंग सारे इलेक्शंस में पड़ेगा। कर्नाटक में होने वाले हैं, उड़ीसा में होने वाले हैं, एमपी राजस्थान में। यही चीज मैंने लगभग कुछ दिन पहले जब यूपी निकाय का आया था, मैं लाइव था, तो मैंने बोला था आप इस चुनाव को छोटा मत लीजिए, यूपी के मेयर और इन सब पार्षद के इलेक्शन का। इस चुनाव के रिजल्ट भी बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से इनकैश करेगी गुजरात में। और यही चीज है, देखिए छोटी छोटी चीजें, चुनाव हार जीत उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जीतने पे उसका इम्पैक्ट कितना मल्टीप्लाई करता है। आपके जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, आपको एक आइडिया पता चलता रहता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सही ट्रैक पे है, सही डायरेक्शन में है, तो आप कंफ्यूजन से बचते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। गुजरात तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था कांग्रेस के लिए और पूरे देश के लिए, तो अब एक तरीके से मैं ये मान सकता हूँ कि अगर विपक्ष के खेमे में आप देखेंगे तो वहां मंथन ये चल रहा होगा या स्टेट ऑफ माइंड ये होगा कि भाई अब हम आगे जो है कर्नाटक का भी चुनाव हार गए हैं, अब उड़ीसा का भी हार गए हैं, राजस्थान वगैरह, ये एक स्टेट ऑफ माइंड कुछ दिनों तक रहेगा। और इस स्टेट ऑफ माइंड से एक वैरियर जो होता है, जो योद्धा होता है, उसको अपने हारी हुई मानसिकता से बाहर निकालना एक बहुत मुश्किल काम होता है उसके लिए। और ये स्टेट ऑफ माइंड मैं देखता हूँ कितने दिन तक चलता है, और जितने जल्दी विपक्ष अपने आप को इस स्टेट ऑफ माइंड से निकाल लेती है उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, एक ही विषय जी, अक्सर ऐसा होता है रिजल्ट आने से पहले ही जो पार्टियां होती हैं तैयारियां करके बैठ जाती हैं, मिठाइयां मंगवा ली जाती हैं, पटाखे मंगा लिए जाते हैं, लेकिन अगर दोनों ही पार्टी की बात की जाए तो दोनों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। स्पेशली अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसकी तरफ से भी ना ही कोई पहले गाजे बाजे की तैयारी थी, ना मिठाइयों की तैयारी थी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी को जो डर था वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बना हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे पता रहता है तैयारी लगभग सभी लोगों ने की रहती है, पब्लिक में वो नहीं आता है। एक्सेप्ट एक टाइम ये आया था जब मैंने सुना था अरविंद केजरीवाल जी ने, अभी ये जो निकाय वगैरह के चुनाव जो हुए थे उसके लिए उन्होंने रोड रोड पे भी गुब्बारे वगैरह सजा दिए थे एक दो दिन पहले पब्लिक में, तो लेकिन वो हार गए, उनकी पार्टी हार गई, जो भी डिटेल था। लेकिन तैयारी दोनों तरफ से थी, मिठाई के डब्बे, हलवाइयों को ऑर्डर, और ये छोटे लेवल इलेक्शन गुजरात में हो रहा है, लेकिन दिल्ली में भी मुझे पता है लोगों ने हलवाइयों को ऑर्डर दे दिए थे, भाई मछली समोसे मिठाइयां, और ये बकायदे सारी चीजें मतलब ऑफिशियल इंटरनल लेवल पे कम्युनिकेशन ये हुआ है कि भाई उस दिन आप लोग कांग्रेस ऑफिस पहुंचिए या 10 अशोका रोड पहुंचिए, गाजा बाजा ये सब लेकर के पहुंचिए, तो तैयारी तो रहती है हमेशा। मिश्रा जी, आगे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो चुनौतियां हैं वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, जो दिक्कतें हैं वो कहा जा सकता है कि बढ़ने वाली है, ऐसे में कितनी जरूरत है कांग्रेस को यहाँ बदलाव की, और किन बदलावों की यहाँ पर कांग्रेस को बेहद ज्यादा जरूरत है? देखिए, बदलाव 360 डिग्री ओवरहॉलिंग की जरूरत है, ये मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि किन पैरामीटर्स पे, किन प्रिंसिपल्स पे अपोजिशन इंक्लूडिंग कांग्रेस अपने अंदर बदलाव लाए। तो यहाँ पे तीन चार ऐसे पैरामीटर होते हैं, बीइंग एन एक्सपर्ट मैं बताना चाहूंगा। पैरामीटर ये होते हैं कि सबसे पहले आप बदले हुए माहौल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की आप एनालिसिस करिए, और जो कोर आपकी फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है आपकी पॉलिटिक्स की, आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्ल्ड में आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप या आपकी पार्टी, तो सबसे पहले आप उसमें आप बदलाव लाइए। तो ये बैकबोन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स पे आपके क्या बदलाव लाने चाहिए। लगातार 2014 के बाद जिन नीतियों को, जिन रणनीतियों को आप अपना रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अब तो मान जाइए कि आपकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं गलती है, या ट्रायल बेसिस पे आप कितना और करना चाहते हो, 4-6 इलेक्शन आप और कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है। तीसरा बदलाव इनको लाना चाहिए, वो लाना चाहिए टैक्टिकल वे पे। देखिए, स्ट्रेटेजिक जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप पेपर पे या कंप्यूटर पे रणनीति बनाते हैं, टैक्टिकल वो होता है कि जो प्लानिंग और रणनीति बन गई उसको ग्राउंड लेवल पे उतने ही इफेक्टिव वे में एग्जीक्यूट करना, प्रदर्शित करना, नहीं तो रिजल्ट नहीं। प्लानिंग बना के आप रखे रहिए, अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेकार है। तो टैक्टिकल वे पे ये बदलाव इनको लाना चाहिए सारे विपक्ष को। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्निकल वे पे, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग की आपको जरूरत है, डिवीजन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सब चीजें करने की जरूरत है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बीजेपी का जो यूएसपी है
देखिए, केवल एक लीडर जो टॉप लीडर है अगर वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करने लगे तब भी जरूरी नहीं है, गारंटेड नहीं है कि आप जीत जाएंगे। एक सेना में हर एक सैनिक का स्किल्ड होना, चाहे वो कमांडर हो चाहे फ्रंट पे, तो ऐसे ही कार्यकर्ताओं को आप जितना ज्यादा स्किल्ड बनाएंगे, ट्रेनिंग देने की सबसे ज्यादा जरूरत है सारे विपक्ष की पार्टियों का, क्योंकि एक एक आपका कार्यकर्ता मिल करके विजय को हासिल करता है, अकेले दम पे आप नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद टेक्निकल, यहाँ पे ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको बोलूंगा, टेक्नोलॉजी ने स्पेशली 2010 के बाद जब से स्मार्टफोन और ये सब आए, और अभी दो चार साल में तो आप देखिएगा इंटरनेट वगैरह सब फ्री हो जाएगा, घर घर हो जाएगा, तो मास को अगर इन्फ्लुएंस करना है तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। बीजेपी जो कंटिन्यूअस परफॉर्म कर रही है उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि टेक्नोलॉजी को इन्होंने अपने फेवर के लिए, अपने टारगेट के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। तो प्लीज आप लोग टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को समझिए और इन चार पैरामीटर पे आप अपने आप को माइक्रो लेवल पे चेंजेस लाइए, देन एंड देन यू कैन सर्वाइव। बिल्कुल, जिस तरह से आपने की मिश्रा जी कहा, बीजेपी परफॉर्मेंस जो है एक के बाद एक बेहतर करती नजर आ रही है, क्या लगता है जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर बीजेपी के मुद्दों को लेकर कर रही है? क्योंकि कहीं के भी रिजल्ट की बात चली जाए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की हो, गुजरात की हो, बीजेपी को लगातार बढ़त ही मिल रही है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बीजेपी के मोडस ऑपरेंडी को दूंगा, जो स्ट्रेटजिक उनकी कार्यशैली है। देखिए, पॉलिटिक्स में देखा जाए तो आप देखिए पॉलिटिक्स के, टोटल इंडियन पॉलिटिक्स के आप नेचर को समझिए, जो डायनामिक्स है। मैम, ये ट्रायल एयर का ये पूरा का पूरा डायनामिक्स होता है। देखिए, आपको नेशनल लेवल पे अपने एजेंडे, अपने आइडियोलॉजी को डेवलप करना है, उसके बाद इंडिया अपने आप में बहुत डाइवर्स है, यहाँ पे 28 स्टेट नहीं है मैम, ये 28 नेशन है, आप ये देखिए। तो हर स्टेट में पूरे मुद्दे अलग होते हैं, रणनीति अलग होती है, हर चीज अलग हो सकती है, तो ये बीजेपी की खासियत है, नेशनल लेवल पे कैप्चर करने के लिए इनके मुद्दे, इनकी आइडियोलॉजी अलग है, वे ऑफ एग्जीक्यूशन अलग है। वही जब ये यूपी में जाते हैं तो इनके मुद्दे बदल जाते हैं, गुजरात में मुद्दे एंड वे ऑफ एग्जीक्यूशन बदल जाते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी को भी मैं बोलूंगा कि विपक्ष को अपने अंदर लाना चाहिए कि कहां पे, किस जगह पे। देखिए, एक कहावत है, जहां काम तलवार का है वहां सुई नहीं कर सकती है, तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि नेशनल और स्टेट लेवल पे जो जियो टोपोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन होता है, सोशियो इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन होता है, उसको भी समझिए सर, हर मुद्दा हर जगह नहीं चलेगा जी। वही अब बात की जाए कि मिश्रा जी, तो आगे की जो राय है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो आसान हो गई है, और बीजेपी भी इसको लेकर कॉन्फिडेंट कहे या ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो लीडर्स हैं और इनकी पार्टी का अगर मैं सारा एनालिसिस करूं तो एक बहुत अच्छी चीज मुझे इनके अंदर नजर आती है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, कि वो खुद भी बहुत गंभीर व्यक्तित्व के मालिक है, ओनर है, उनकी जो होलसम ऑफ पर्सनालिटी है, होलसम ऑफ ट्रेड, जो पॉलिटिकल और इंडिविजुअल और सोशल पर्सनालिटी है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पे भी पड़ता है और कार्यकर्ता भी उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो इनके अंदर गंभीरता जरूर है, बट दे आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, और उसका एक लॉजिक है मैं क्यों बोल रहा हूं। जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तब वो केयरलेस भी हो जाता है और चुनावों की तैयारी अच्छे से नहीं करता है, लेकिन बीजेपी हर चुनावों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करती है और छोटे छोटे चीजों को भी वो कंसीडर करती है, तो इट मींस दे आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स बीइंग अ कॉन्फिडेंट, दे आर कॉन्फिडेंट एंड बीइंग अ कॉन्फिडेंट, ये कोई गलत चीज नहीं है, इसलिए मैं इसको गंभीरता की कैटेगरी में डालता हूँ। बिल्कुल, और ऐसे में तो एके मिश्रा जी, जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। हालांकि राहुल गांधी ने भी मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद में गए, जनता को लुभाने की उन्होंने खूब कोशिश की, प्रयास किए, लेकिन इस बीच जो बीजेपी की तैयारियां थी वो भी भरपूर नजर आई। इसको पीएम मोदी की लहर माना जाए या क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह से रैलियां बीजेपी ने कही, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उससे ज्यादा ही बढ़ चढ़कर रैलियां की थी। नहीं, देखिए, अगर आप लहर की बात करती हैं तो मैंने बहुत पहले बोला था, आज के 1.5 महीने पहले भी मैंने बोला था, 135, 150 प्लस जाता है तब वो लहर की कैटेगरी में आता है मैम, वेव की कैटेगरी में आता है, ये मार्जिनल विक्ट्री है। तो यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा कि ये मोदी जी की लहर थी या अमित शाह जी की लहर थी, यहाँ पे तो कुछ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि बीजेपी को एक अच्छी पार्टी होने का नेचुरल बेनिफिट वहां पे मिला है, जो कि उनका यूएसपी है, अदरवाइज ये लहर होती तो 135, 140 वो सुपड़ा साफ करने वाले रिजल्ट वहां पे आते हैं। वही अब कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, अध्यक्ष बन चुके हैं राहुल गांधी, अब ऐसे में उनके लिए कितनी चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जहां पर वो है उससे बाहर लेके आना और काफी आगे लेकर जाना कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए कड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि टक्कर का जो मुकाबला है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। नहीं, डेफिनेटली ये राहुल गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है,
और इंडिविजुअल लेवल पे अगर देखा जाए, पार्टी लेवल पे देखा जाए, और इसके लिए तो मैं इतना ही बोलूंगा कि ठीक है, राहुल गांधी जी को भी अब काफी एक्सपीरियंस हो गया है पॉलिटिक्स का, कई बहुत सारे कैंपेन इन्होंने अपने मतलब उसको कैंपेन का इन्होंने नेतृत्व किया, और मैं उम्मीद करता हूं और मैं फिर से सारे विपक्ष को बोलना चाहता हूं, नो वन इज इनविंसिबल, कोई भी आदमी अजेय नहीं है, चाहे वो कोई पार्टी हो चाहे कोई कुछ भी हो। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा स्ट्रेटजिक टैक्टिकल वे में आप अपने आप को चेंज करिए। कांग्रेस के पास भी कुछ नेचुरल बेनिफिट और यूएसपी है ओवर अदर्स। देखिए कांग्रेस सारी पार्टियों का जो जनाधार बना है, जैसे सपा बसपा और ये जितने रीजनल पार्टी है जेडीएस वगैरह, ये कहां से आया है? ये सारे के सारे तो कांग्रेस के वोट बैंक थे 70-75-80-90 के दशक में। हुआ क्या कि सारे लोग कांग्रेस से टूटते गए, तो वो वोट बैंक भी सेपरेट होता चला गया। अगर कांग्रेस अपने आप को पुराने ढर्रे पर ही ले आए तो भी इनका वोट बैंक इतना जबरदस्त तरीके से बन जाएगा, और इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम की बात नहीं है। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो 18 से 36 मतलब 1.5-2 साल में 3 साल में कांग्रेस अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर सकती है। सक्सेस या फेलियर डिपेंड, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू डू मेनी थिंग्स। आप बहुत सारी एक्टिविटी करिए, बहुत सारे कैंपेन करिए, एक ही चीज करिए, लेकिन उसको प्रॉपर वे में, मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल वे में करिए, ताकि रिजल्ट भी सब। बिल्कुल जिस तरह से, लेकिन एक मिश्रा जी सवाल यह है कि जिस तरह के नतीजे यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उसमें क्या लगता है कि वोट बैंक हासिल करना कांग्रेस के लिए आसान होगा? देखिए अब यहाँ पे अगर ये देखा जाए, अभी आपके स्क्रीन पे मुझे परसेंटेज ऑफ जो वोट बैंक है वो शिफ्ट कहाँ से क्या हुआ ये चीज नहीं दिखा रहा है, वो रिजल्ट आने के बाद ही देखा जाएगा, तो एक नेक्स्ट लेवल की एनालिसिस होगी। लेकिन डेफिनेटली मैं इस परफॉर्मेंस को भी, कांग्रेस की परफॉर्मेंस को मैं बुरा नहीं मानूंगा, ये एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और ये एक बहुत प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस ट्रेंड को दिखाती है जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजिक इनपुट अगर दे दिया जाए तो ये परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो बहुत इजी वे में शूट अप कर सकता है। यहाँ पे तो सबसे बड़ा जो, देखिए कांग्रेस को मैं अगर मैं तारीफ करूं तो मैं किस चीज का करूंगा? मैं इस चीज के लिए तारीफ नहीं करूंगा कि आपकी सीट बढ़ गई या कुछ, मैं तारीफ इस चीज के लिए करूंगा कि जो बीजेपी 135-150 के दावे कर रही थी, मीडिया ने भी दिखाया था कि अभी भी रिजल्ट आने बाकी है, वो होने को हो सकता है लेकिन चांसेस बड़े कम लगते हैं, उस बीजेपी को 135-150 से इन्होंने चेक कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कांग्रेस के लिए। और एक चीज और बता दूं, बीजेपी भले ही जश्न मना रही है लेकिन इन सब 2-4-6-10 दिन के बाद बीजेपी में इस चीज की गहन चर्चा होगी कि हम क्यों 110 या 105 पे सिमट के रह गए। बीजेपी बहुत सेंसिटिव पार्टी है। अब ऐसे में बीजेपी को क्या रणनीति बनानी चाहिए, अब इसके लिए और क्या मेहनत बीजेपी को करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नतीजे बीजेपी ने सोचे थे उस तरीके के भी नतीजे नहीं आए। देखिए बीजेपी को क्या करना चाहिए ये मैं समझता हूँ कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी उसमें सक्षम है, लेकिन डेफिनेटली बीजेपी के लिए भी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उसका रीजन है, आप अपने किले में अवेलेबल थे, मोदी जी भी वहीं के निवासी हैं, वहीं से उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ और सारा सब कुछ हुआ, मतलब ग्रोथ हुआ, इसके साथ पूरी कैबिनेट लगी थी, पूरा देश, पूरा बीजेपी और आरएसएस का सिस्टम लगा था, तो इसीलिए बीजेपी की जीत, मैंने आपको पहले ही बोला कि बीजेपी जीत के भी हार गई, आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि बीजेपी जीत के भी हार गई, इसका मतलब ये है इतने सारे इफर्ट लगा के, इतने सारे रिसोर्सेज लगा के और इतना रिजल्ट आए, तो मैं उसको जीत नहीं मानता हूँ। 135 के ऊपर जाता तब मैं बोलता ये लहर है, ये बीजेपी के अपने इफर्ट के कारण जीत हुआ है। ये जो जीत हुई है उसमें मेजर रोल ये था कि जो बीजेपी के राइवल थे इन कैंपिजन और बीजेपी उतने स्ट्रांग नहीं थे, जरा सा भी अगर ये स्ट्रांग होते, टेक एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली, थोड़ा सा भी उनके जो राइवल आम आदमी पार्टी थे, थोड़ा सा अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, जनता ने तुरंत जो है सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। तो इसमें बीजेपी का अपना इफर्ट नहीं है, बीजेपी को एक बहुत बड़ा जो है झटका लगा है, उनके पब्लिक में या आपके टीवी पे नहीं आएगा, लेकिन अंदर 101% ये चल रही है कि भाई हम इतने फेल्योर क्यों हो गए, हमारी कम इतनी सीटें क्यों आई अगर ये 110-115 के पास जाता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी इसे
हल्का फुल्का ही सही लेकिन झटका जरूर माना जा सकता है, क्योंकि जो उम्मीदें बीजेपी ने यहाँ पर लगाई थी, हालांकि उन उम्मीदों पर बेहतर तरीके से खरी नहीं उतरी, लेकिन जीत तो यहाँ पर बीजेपी की निश्चित ही थी, मानी भी जा रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर आश्वासित भी थी। लेकिन कांग्रेस ने जो इस बार मुकाबला दिया है, या यूं कहें जो कड़ी टक्कर दी है, वो बेहद ही सराहनीय कांग्रेस पार्टी के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी से जो उम्मीदें यहाँ कांग्रेस पार्टी ने लगाई है, कहीं ना कहीं जो रैलियां उन्होंने कही है, जिस तरह से निखर कर सामने आए, उसका रिजल्ट इसे माना जा सकता है कि कड़ी टक्कर कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ बीजेपी को देखने को मिली है। तो एक बार फिर आपको यहाँ पर रिजल्ट भी बता देते हैं, जिस तरह से जो रिजल्ट यहाँ पर सामने आए हैं, बीजेपी जहाँ 43, हिमाचल प्रदेश में हम बात कर रहे हैं, जहाँ बीजेपी 43 सीटों पर, तो वहीं कांग्रेस को 21 और अन्य को 4 मिली है। गुजरात की बात की जाए तो बीजेपी 101 पर और कांग्रेस 77। हालांकि ये जो मुकाबला था, कहीं भी किसी भी तरह से ये इसमें कोई कमी नहीं देखी जा सकती, क्योंकि इसे एक कड़े मुकाबले के तौर पर ही देखा जा रहा है, माना जा रहा है। और अगर आने वाले चुनावों की बात की जाए, सर आपसे जानना चाहूंगी, अगर अब जो चुनाव आने वाले हैं उनकी अगर बात की जाए, तो उसका फायदा तो यहाँ पर बीजेपी को जरूर ही मिलने वाला है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस निखर कर आई है, पहले से बेहतर नजर आई है, तो क्या लोगों का जो विश्वास है वो क्या दोबारा से कांग्रेस पर लौट कर आ पाएगा? और ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस अपनी आगे की जो पूरा मॉडल ऑफ रेंडी है, किस तरीके से ये चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ये स्विंग कर रहे हैं कांग्रेस, मतलब एक अपने ट्रैक पे आ रहे हैं, और अगर इन्होंने अच्छे तरीके से कर लिया तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज कांग्रेस के लिए भी देखने को मिलेगा। जी, लेकिन ये तो जनता बताएगी, खैर, क्योंकि जनता के मूड का यहाँ पर कुछ कहना आसान नहीं होता, जनता का मूड कब बदल जाए, किस पार्टी पर चला जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो नतीजे इस बार के सामने आए हैं, कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला और कड़ी टक्कर कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी को यहाँ पर मिली है। और अगर अन्य दलों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कोशिश पूरी थी, लेकिन जश्न की बात की जाए तो अब पार्टियों में जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, गाजे बाजे, एक दूसरे को मिठाई खिलाते भी बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सर, अगर अब जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, तो हिमाचल प्रदेश में हालांकि अंदाजा यहां पर लगाया जा सकता था, कहीं ना कहीं बीजेपी को था कि जीत यहां पर हिमाचल प्रदेश में भी उनकी हो सकती है, क्योंकि हिमाचल की जनता का क्या रहता है, वो एक एक मौका यहां पर देती है, कभी कांग्रेस तो उसके बाद बीजेपी। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसमें कितने काम की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश अभी भी पिछड़ा हुआ है, और सीएम वीरभद्र सिंह की बात की जाए तो उनसे जनता को काफी निराशा हाथ लगी थी, क्या जो एक के बाद एक घोटाले सामने आए थे, या जो निराशा सीएम से लोगों को मिली थी, उसका नतीजा भी इसे माना जा रहा है? और अगर बीजेपी की बात की जाए तो हिमाचल में उन्हें और कितनी इम्प्रूवमेंट या क्या रणनीति बनाकर चलने की जरूरत नहीं? देखिए, ये एक बट नेचुरल है और कोई भी आदमी बड़े आसानी से ये इस चीज को समझ सकता है। ऐसी जगहों पे जो इम्पोर्टेंट जगह है, चाहे वो छोटी जगह क्यों ना हो, और बीजेपी की सत्ता जहाँ पे पहली बार आई है या आपकी बार वो जीत रहे हैं, जैसे हिमाचल हो गया, यूपी हो गया, 101% वो 1% भी गैप नहीं छोड़ेंगे डेवलप करने के लिए। और ये आप देखिएगा, यूपी में, हिमाचल में, जहाँ नई सरकारें बीजेपी की बन रही है, 2019 के पहले पहले आपको डेवलपमेंट दिखेगा, क्योंकि 2019 में ये क्या लेके जाएंगे, हर बार ये गुजरात के विकास को तो इनकैश करेंगे नहीं, डेफिनेटली 2019 के इलेक्शंस में ये दिखाएंगे कि देखिए, हमने यूपी में 2 साल में ये किया, 3 साल में हमने हिमाचल में ये किया। और 101% बीजेपी बहुत तेजी से ग्रोथ के जितने भी पैरामीटर होते हैं, चाहे सड़क बनवाना, नालियां बनवाना, लाइट वगैरह, ये जस्ट आप ये इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए गुजरात का, उसके बाद देखिए इनका ग्रोथ का जो डेवलपमेंट का जो काम है वो बहुत तेजी से शुरू होगा, अदरवाइज ये किस मुंह से वापस जाएंगे 2019 में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक ही मिश्रा जी, जिस तरह से कांग्रेस भी आरोप लगाती आती जा रही है कि जो बीजेपी का ज्यादा जो नजर रहती है वो बड़े कारोबारियों पर रहती है, ज्यादा फायदा जो बीजेपी का मिलता है वो बड़े कारोबारियों को मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो शहरी विकास के मुकाबले, ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में ज्यादा बीजेपी को बढ़त मिली थी, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये कितनी मायने रखती है, जिस तरह से कहा जाता है कि शहर का ज्यादा विकास बीजेपी की तरफ से हो रहा है, ग्रामीणों की तरफ जो ध्यान है बीजेपी का कहीं ना कहीं कम रहता है। नहीं मैम, देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। देखिए, इसको आप समझिए, क्यों शहरों में बीजेपी जीतती है, और अब चूंकि जब बीजेपी शहरों में जीतेगी तो जहां उसके एमपी एमएलए होंगे तो वहां काम ज्यादा होगा, अगर गांव में वो जीते ही नहीं है तो वहां वो विकास क्या कराएंगे, उनके हाथ में उतनी चीजें नहीं होती है।
यहाँ समझने वाली ये चीज है कि बीजेपी शहरों में अर्बन एरिया में क्यों परफॉर्म करती है, रूरल एरिया में नहीं करती है। बिहार में भी आप देखिए तो लालू यादव जी जो जीते थे वो रूरल एरिया के कारण जीते थे, उसका रीजन है मैम। शहरों की अर्बन एरिया और रूरल एरिया की अगर आप देखेंगे जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है, टोपो जियोग्राफिकल फैक्टर, उनकी साइकोलॉजी, लाइकिंग इंडिया में टोटली अलग होता है। गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, मास है या जो क्राउड है, वो थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, वो फेथ और बिलीफ पे चलने वाली बात करते हैं। गांव में अभी पुराने तो सारे लोग कांग्रेस के ही है क्योंकि कांग्रेस थे, तो अभी भी गांव में ये होता है कि भाई जब हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को दिया है तो हम भी कांग्रेस को देंगे या किसी और पार्टी को, समाजवादी पार्टी या बीएसपी को देंगे। ये एक बहुत बड़ा डायनामिक्स का जो है फैक्टर है जो समझना चाहिए कि बीजेपी गांव में क्यों परफॉर्म नहीं कर पाती है। इसीलिए बीजेपी गांव में परफॉर्म नहीं कर पाती है और वहां पे डेवलपमेंट कम होता है, और जहां परफॉर्म कर रही है, शहरों में परफॉर्म कर रही है तो डेवलपमेंट उनका ज्यादा होगा। ये सिंपल सा फैक्ट है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ बनाने के लिए अभी बीजेपी को और कितनी मेहनत करनी होगी और क्या कुछ करना होगा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने के लिए इनको मेहनत तो काफी करनी पड़ेगी क्योंकि रूरल एरिया को पेनेट्रेट करना अपने आप में बड़ा टिपिकल होता है। वहाँ फैसिलिटीज नहीं होती है, लोग एजुकेटेड उतने नहीं होते हैं, और मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी की चीजें, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, रोड नहीं होता है, कॉस्ट ज्यादा होती है वहां पे कोई भी कैंपेन करना या लोगों को अपने फेवर में जोड़ने के लिए किसी भी तरीके की एक्टिविटी करने का। लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी के पास एग्जीक्यूशन बॉडी के रूप में आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं और इनके कार्यकर्ता हैं, दोनों मिलके अगर ये इसी तरीके से चलते रहे तो अगले 5-10 सालों में आप ये देखिएगा सब जगह पेनेट्रेट कर जाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे आप देखिए आरएसएस की शाखाएं पहले शहरों में होती थी, अब धीरे धीरे ये एक्सपेंड कर रहे हैं गांव की तरह कि गांव में आरएसएस की शाखाएं लगे, लोग आरएसएस से जुड़े हैं। तो इसमें टाइम, देखिए इंडिया इतना बड़ा देश है मैम, मैं आपको बताऊं कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आती है और गांव गांव तक मटेरियल अपने माल की सप्लाई करने के लिए उनको 20-20 साल लग जाते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है डेवलप करने में। इलेक्ट्रिसिटी का आप देख लीजिए, हर गांव तक, हर घर तक 70 साल हो गए हमको आजाद होने के बाद, तो डिस्ट्रीब्यूशन या गांव तक पहुंच बनाना बहुत मुश्किल काम है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर पाई 70 साल में इलेक्ट्रिसिटी का, हर गांव तक पहुंच नहीं बना पाई, ये डाइवर्सिफिकेशन के कारण है। हम इतने रिच है, इतना एरिया हमारा बड़ा है, तो बीजेपी के लिए भी ये आसान नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत तेजी से गांव की, देखिए शहर को पेनेट्रेट कर लिया, अब जो मार्केट है, जो ब्लैंक मार्केट है, सॉरी जो ब्लैंक वोटर्स का जो एरिया है वो गांव है, तो डेफिनेटली ये गांव की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, बीजेपी के लिए एके मिश्रा जी आसान नहीं है, लेकिन ऐसे भी सवाल इस तरह के भी खड़े होते हैं, अगर उत्तर प्रदेश से इलेक्शन की यहाँ पे बात कर ली जाए, बीजेपी को जीत मिली लेकिन जीत के बाद ही बीजेपी ने बिजली के दरों में बढ़ोतरी कर दी, कहीं ना कहीं जो सारा भार था वो आम जनता के कंधों पर डाल दिया, और इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों पर ही पड़ता है। अगर बीजेपी ही ऐसे काम करेगी तो कैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उन पर, जो ग्रामीण है उन पर भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद इस तरह के फैसले कर देना, इस तरह की घोषणाएं कर देना। देखिए ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का जो ये एक्ट है, जैसे कि इलेक्शन के पहले कुछ और बोलना और इलेक्शन के बाद बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेना जिससे कि पब्लिक जो है पेन में आ जाए और पब्लिक शॉक्ड रह जाती है कि अरे हमने तो आपसे ये उम्मीद नहीं की थी और आपने ये कर दिया। इसके दो पॉइंट पे, दो पैरामीटर पे एनालिसिस की जा सकती है। पहला तो ये होता है कि इलेक्शन जीतने के लिए हर आदमी हर वो चीज मुद्दा बना करके प्रेजेंट करता है, क्योंकि उस वक्त लाइफ, दैट इज विनिंग द इलेक्शन या परफॉर्मेंस इन इलेक्शन, इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो एक तो वो चीज करते हैं। अच्छा, जब ये पावर में आते हैं तो इसके दो रीजन होते हैं। देखिए पहले तो ये बोलते हैं कि जी पिछली सरकारों ने ये किया वो किया, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो इसलिए हम टैक्स लगा रहे हैं, इसलिए हम ये दरें बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, बीजेपी इसी चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि भाई आपको अगर फैसिलिटी लेनी है तो यू पे, आप थोड़ा सा पे करिए जो हमारी कॉस्ट है, हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। और ये चीज मोर एंड मोर इट इज रिलेटेड, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल। देखिए देश में ही जब पैसा या रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो बीजेपी, महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, ना कांग्रेस रोक पाई है ना बीजेपी, आज के 36 साल पहले से लेकर महंगाई तो कंटिन्यूअस बढ़ रही है ना, लेकिन मुद्दा हर बार ये लोग बनाते हैं। फैक्ट ये है कि महंगाई को इतने आसानी तरीके से नहीं रोका जा सकता है, तो महंगाई को तो बीजेपी भी कभी नहीं रोक पाएगी, दाम बढ़ना कभी नहीं रोक, वो तो इसके बाद अगर कांग्रेस भी आएगी तो वो भी बढ़ा देगी दाम, अगर दाम वो डायरेक्ट वे में नहीं बढ़ाती है तो इनडायरेक्ट वे में बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट वे में ऐसे बढ़ता है कि आपको सब्सिडी दी जाएगी, जब आपको सब्सिडी दी जाएगी तो वो कवर कहां से होगा, दो तरीके से, या तो आपसे टैक्स लिया जाएगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर वो भी नहीं होता है तो वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह से लोन लिया जाता है, तो अल्टीमेटली वो लोन भी तो जो हम सिटीजन है एज ए टैक्स के वे में ही करते हैं ना, लेकिन वो हमें फ्रंट वे में हमारे आंख के सामने एक कॉमन पब्लिक को दिखता नहीं है,
तो वो घूम फिर के सारा का सारा जो खर्चा जाना है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो हमारे जेब पे जाना है। तो ये एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज की एनालिसिस करना चाहिए कि बिजली के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, या किसी चीज के महंगाई बढ़ना, या किसी भी चीज का कमोडिटी का दाम बढ़ना, ये इसमें देखिए पॉलिटिक्स या जीतने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल वही, अगर बात की जाए जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए, तो तीन तलाक का मुद्दा हो या इस तरह के कई मुद्दे यहाँ पर बीजेपी ने उठाए थे, तो क्या माना जाए? जैसे गुजरात में जो जीत मिली है या गुजरात में जो एक अच्छी पकड़ यहाँ पर बीजेपी ने दोबारा से बनाई है, कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं का भी बेहद ही ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर रहा। तीन तलाक का मुद्दा इस पर कह सकते हैं जो बीजेपी ने उठाया था वो एक अच्छा हथियार इसे माना जा रहा है बीजेपी के? नहीं, ये इसको आप हथियार लोग मानते होंगे, मैं नहीं मानता हूँ। उसका रीजन है, अगर मुस्लिम महिलाएं इससे इम्प्रेस हो करके प्रभावित होके इन्फ्लुएंस हो के वोट किया होता ना, दो तीन चीजें ऐसी हैं, अगर उन फैक्टर्स ने अपना काम किया होता। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉलिटिकल क्यूज एंड पॉलिटिकल ट्रिगर, आप इसको समझ लीजिए। पॉलिटिकल क्यूज ये होता है किसी तरह की इंफॉर्मेशन को पब्लिक के बीच में इन्वायरमेंट में फेंकना, छोड़ना, इंट्रोड्यूस करना, और ताकि वो पब्लिक उसके बारे में अवेयर हो। अवेयर होने के बाद वो डिसीजन लेता है कि मुझे इस मुद्दे के साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, तो उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वोटर्स का वोट करने का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, उसको लगता है ये बेनिफिशियल है, तो उसके दिमाग में जो है एक ट्रिगर, पॉलिटिकल ट्रिगर जो है डेवलप होता है, जिसके कारण वो लास्ट दिन जा करके उस पार्टी को वोट देता है। अगर तीन चार पॉलिटिकल क्यूज जो बीजेपी ने एनवायरनमेंट में डाले थे अगर वो ट्रिगर में कन्वर्ट हो गए होते तो बीजेपी की सीटें 135, 140, 150 तक जाती। तो मुस्लिम मुद्दा जो था, अभी इन्होंने जो कानून बनाया ट्रिपल तलाक का कि 3 साल की जेल होगी, वो यहाँ पे क्लियरली देखा जाए तो वो काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, जो रिजल्ट इस बार गुजरात और हिमाचल, इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कुछ कह रहे हैं। मिलकर के हम सब लोकतंत्र को कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं, ये चुनाव उसके उदाहरण है, और सबकी दृष्टि गुजरात के चुनाव पर लगी थी। लोग जानना चाहते थे कि वास्तव में विकास के प्रति लोगों का रुझान वही रहता है या फिर बांटने की जो प्रवृत्ति है समाज को जाति के आधार पर या अन्य तमाम प्रकार से। मुझे लगता है कि गुजरात के चुनाव ने एक बार पुनः संकेत किया है कि हम नकारात्मक राजनीति से उभर करके और विकास के प्रति पूरे देश के अंदर एक रचनात्मक दृष्टिकोण को लेकर के चले तो अच्छा होगा। ये बधाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए इसलिए भी क्योंकि देश के अंदर आर्थिक सुधार के क्षेत्र में जो प्रभावशाली कदम पिछले 3-3.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने उठाए हैं, देश में सर्वत्र उसकी सराहना हुई है, लेकिन हमारे मित्रों ने उसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया। हर एक दल मुद्दा बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, जैसे सदन में हर व्यक्ति अपने अनुसार अपनी बातों को कह देता है, पीठ की बातों की भी अवहेलना हो जाती है, लोग अपने तरीके से अपनी बातों को कहते हैं। लेकिन मैं वही सोच रहा था कि जब पीठ ने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष लिखा तो इसको लेकर के हाँ और ना को लेकर के जो लोग कह रहे थे, मुझे लगता है कि ये जवाब तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता ने दे दिया है। अगर हाँ के साथ मिलकर के चलोगे तो सफल रहोगे, और अगर अपने साथ ना जोड़ोगे तो फिर जनता इसी प्रकार से फिर जवाब भी देगी। नकारात्मक दृष्टिकोण छोड़ना पड़ेगा और विकास का एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी बार बार इसी बात को कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल हमें आगे बढ़ाएगा बल्कि हमारे समाज को और हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्ज्वलमय बनाएगा, मंगलमय बनाएगा, और मुझे लगता है कि हम सब इसी उद्देश्य से सदन में आए हैं। नेता प्रतिपक्ष बहुत चालाक किस्म के राजनीतिज्ञ हैं,
अपने कुर्सी में नेता विरोधी दल लिखते हैं, नेता नकारात्मक दल नहीं लिखते हैं, नेता ना दल नहीं लिखते। लेकिन अगर वहां पर सभी लोगों को प्रतिपक्ष के साथ जुड़ने का प्रयास हो रहा है और आप चेयर से आसन से इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार के एक सराहनीय पहल हुई है, तो उस पर उनको आपत्ति है। क्योंकि जब प्रतिपक्ष की बात हो रही तो एक सामूहिक ताकत है, लेकिन वह नहीं चाहते हैं कि औरों को उस रूप में देखा जाए। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा था जब संविधान के बारे में कहा जा रहा था कि हम लोगों ने दोस्तों की नकल की। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि उदाहरण में और अनुभव में अंतर है। भारत के अंदर संविधान की परंपरा बहुत प्राचीन है। हमारी जो स्मृतियां हैं अलग अलग कालखंड के, इस देश की संविधान रही है, इस देश की व्यवस्था उसके अनुसार चली है। और भारत के संविधान ने भारत के उन महापुरुषों के योगदान का परिणाम है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। मैं सचमुच नेता विरोधी दल और अपने बहुजन समाजवादी पार्टी के हमारे जो नेता यहां पर बोल रहे थे, मुझे याद आ रही थी कि जब ये लोग बोल रहे थे और संविधान पर प्रश्न उठा रहे थे, मुझे लग रहा था कि सचमुच इनके प्रश्नों से आत्मा आहत हो रही होगी, एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की और दूसरा डॉक्टर लोहिया की। कैसे कैसे तर्क को तर्क दे रहे थे। ये जो भवन है, ये विधान भवन बना है या संसद बनी है, राष्ट्रपति भवन बना है, इंग्लैंड के पैसे से नहीं बना है, इस देश के पैसे से बना है, इस देश के खून और पसीने का पैसा है, हमारे मजदूरों के पसीना का पसीना उसमें लगा हुआ है, उनकी मेहनत लगी है, उनका परिश्रम लगा हुआ है। और उसको उजाड़ने की बात पुनः फिर उसी नकारात्मक दृष्टिकोण को आपका प्रदर्शित करता है। मैं आप सबको भी इस खुशी में शामिल करता हूं, आपको भी बधाई देता हूं, खासतौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, साथ ही साथ गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता को, जिन्होंने स्वस्थ, यानी दुनिया के अंदर जब चुनाव होते हैं तो बहुत हिंसा होती है, उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव हुए, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए। 5 करोड़ जनता लोग जब पूछते थे कि नगर निकाय में कितने लोग भाग ले रहे हैं, तो मैंने कहा लगभग 5 करोड़ की आबादी है जहां नगर निकाय के चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। लोग सोचते थे नगर निकाय में 5 करोड़, मैंने कहा हमारी आबादी ही 22 करोड़ है, तो 22 करोड़ में 5 करोड़ जनता नगर निकाय के चुनाव में भागीदार बन रही है। हिमाचल प्रदेश में मैंने लल्लू जी को इसीलिए नाम नहीं लिया क्योंकि आप दुखित होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन इस सदन में हम सब मिलकर के एक होकर के जो जीत रहा है वही सिकंदर। और मुझे लगता है कि जीत का श्रेय, जीत का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नकारात्मक दृष्टिकोण को अगर आप लोग छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश का भी भला होगा और हो सकता है आप लोगों का भी भला हो जाए। लेकिन यह देश एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व देश को मिल रहा है। आज आप चले जाइए दुनिया में, प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। किसी देश में चले जाइए, एक माहौल भारत के प्रति सकारात्मक बढ़ा है, क्योंकि दृष्टि सकारात्मक है। लेकिन जब दृष्टि नकारात्मक होती है तो व्यक्ति न अपना हित कर पाता है, अपनी कुंठाओं से ग्रसित होकर के फिर वह अपने आप के लिए एक बोझा बन जाता है। हम बोझा ना बने बल्कि समाज को कुछ देने के लिए बने, और इस देश से एक सकारात्मक जीत है। और मुझे लगता है कि मैं इसके लिए अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से विकास और राष्ट्रवाद के इस अभियान के, इस विजयी अभियान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से इस लोकतांत्रिक पर्व में हिस्सादारी लेकर के, भागीदारी बन निभा करके, भेद मतभेदों से ऊपर उठ करके भाग लिया। उत्तर प्रदेश
नगर निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता को भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। तो यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, खुशी जाहिर कर रहे थे, बीजेपी को बधाई देते नजर आ रहे थे। चलिए चर्चा पर दोबारा वापस लौट आएंगे। सर, यहाँ पर बात अगर ईवीएम मुद्दे की उठाई जाए तो ये मुद्दा उठाना कितना सही है, क्योंकि अगर कांग्रेस को बढ़त मिलती है, कांग्रेस जीत जाती है तो ये राहुल गांधी की मेहनत, और हार जाती है तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी। नहीं, ये देखिए, ये तो एक बहुत सिंपल सा होता है कि हार का, मैंने सुबह भी बोला था कि ईवीएम आ जाने से हारने वाली पार्टी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। वो ये हुआ है कि हार जाने पे पहले ठीकरा किसी न किसी नेता या लीडर के ऊपर फोड़ा जाता था, उसको बर्खास्त करना, हटाना, उसका त्याग पत्र लिया जाता था। तो ईवीएम कम से कम इतना काम तो कर रही है कि किसी नेता के ऊपर जो है कोई ठीकरा नहीं फोड़ा जाता है, सारा ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ दिया जाता है और नेताजी लोग जितने हैं वो बच जाते हैं। दिस इज वन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर विपक्ष को लगता है कि इन सब चीजों में कमी है, खराबी है, तो इनको जो है एक राजनीतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, मैं बोलता हूँ इलेक्शन में आप इतनी रैलियां करते हैं, सब लोग मिल जाते हैं, तो क्यों ना इसी के खिलाफ आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए कि भाई इसको बदलो, ये अच्छा हो या बुरा हो, हमें पुराने ढंग से करना है। इसका यही एक सलूशन है, मतलब जो भी लोकतांत्रिक तरीके से सलूशन हो सकते हैं आप उसको टारगेट मान के करिए। जितनी बार आप ये बोलेंगे कि ईवीएम में खराबी थी जी इसलिए हम हार गए, आप लूज कर रहे हो अपनी क्रेडिबिलिटी को। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में सवाल ये भी हो जाता है, अगर ईवीएम में सच में खराबी है तो उसको प्रूफ करके दिखाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ऐसा अब तक कोई सामने आया होगा जहां पर ईवीएम में सच में जो गड़बड़ी थी उसको प्रूफ करके दिखा दिया होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर क्या लगता है ईवीएम में सच में गड़बड़ी होती या ऐसा कुछ होता तो जो कांग्रेस ने इतनी बढ़त बनाई है क्या वो उतनी बढ़त भी बना पाती? नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ईवीएम के साथ कुछ नहीं हो सकता है। सेटेलाइट तक हैक हो जाते हैं, और अगर आप मिलिट्री साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि सब मैन मेड है और कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन और या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी है वो एक बहुत जिम्मेदार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, बॉडी है। इन छोटी छोटी चीजों का मुझे लगता है कि वो लोग मतलब इतने गिरे स्तर का कोई काम नहीं करता होगा, तो इसका इसकी मुझे जो है कोई उम्मीद नहीं है कि इस तरह के हरकतें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। उसकी अपनी एक गरिमा है मैडम। फिलहाल विपक्ष होने के नाते आपको बोलने का अधिकार है, आपके अंदर अगर कोई डाउट है तो नेता पक्ष के जो है, जो रूलिंग पार्टी है, ये उनका कर्तव्य होता है कि आप अपनी विपक्षी पार्टियों को या इवन एक सिंगल आदमी, डेमोक्रेसी में स्पेशली बीजेपी राम राज्य की बात करती है तो मैं बोलना चाहूंगा कि राम राज्य में हर जीव को न्याय मिलता था, उसके शक को दूर किया जाता था। जब एक कुत्ते को, राम राज्य में एक कुत्ते को उसके मालिक ने मारा, उसके सर पे चोट लगा था, तो वो कुत्ता रामचंद्र जी के दरबार में गया और बोला कि मेरा कोई दोष नहीं था और मेरे मालिक ने मारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहां पे भी उसको न्याय दिया था। तो मैं समझता हूँ कि आप किसका अनुकरण करते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रख करके विपक्ष की इस शंका का, जिस भी लेवल पे प्रैक्टिकल डेमो देना हो, चेक करना हो, आप वो करवाइए। इसमें बीजेपी को या कोई भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी जो भी है, इलेक्शन कमीशन को पीछे नहीं होना चाहिए। वहीं अगर इस रिजल्ट की बात की जाए, जो गुजरात की अगर रिजल्ट की बात की जाए, तो जितना साथ कांग्रेस को जनता का मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी बढ़त बनाए, अच्छे स्कोर यहां पर हासिल किए, तो कांग्रेस को जनता से इस विश्वास की, इस भरोसे की और इतने साथ की उम्मीद थी, क्या कांग्रेस को इस रिजल्ट का, जो रिजल्ट निकल कर सामने आया, कांग्रेस ने भी इतने अच्छे स्कोर यहां पर बनाए हैं, क्या कांग्रेस इसकी उम्मीद में थी? क्या देखिए, कांग्रेस पहले उम्मीद में नहीं थी, लेकिन जब कांग्रेस की रैलियों में भीड़ इकट्ठा होने लगी, देखिए पॉलिटिकल काइनेसिस क्राउड का जो मॉब होता है, इंडिविजुअल वोटर का जो पॉलिटिकल काइनेसिस होता है होलसम, उसकी एनालिसिस और क्राउड या मास की जो होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस टोटली डिफरेंट होती है। लेकिन कांग्रेस की रैलियों में जब भीड़ आने लगी, थोड़ा सा नेचुरल वे में नारे वहां पे लगने लगे, लोग सपोर्ट करने लगे और विकास पगला गया है वाला मुहिम जब थोड़ी तेज हुई, ये तो कोई भी आदमी देख सकता है कि राहुल गांधी जी के चेहरे पे उस वक्त तेज आ गया था, सेटिस्फेक्शन आ गया था। और वहीं पे केवल राहुल गांधी जी या कांग्रेस के लोगों को नहीं, उसी मोमेंट पे बीजेपी को भी झटका लग गया था और वो सत्ते में आ गए थे। और हर एक आदमी को जो गुजरात इलेक्शंस में इंटरेस्ट ले रहा था, उनको पता चल गया था कि पब्लिक अब जो है बीजेपी, इन कंपैरिजन ऑफ बीजेपी या पहले के कंपैरिजन में कांग्रेस के साथ आ रही है। जी।
जी चलिए सर, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी। जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस के लिए राह अभी और कितनी मुश्किल और बीजेपी के लिए कितनी आसान? नहीं, आसान और मुश्किल तो किसी के लिए नहीं है। पॉलिटिक्स ही एक ऐसा रास्ता है, मैं आपको बताना चाहूंगा सृष्टि, कि आप अगर क्लीन स्वीप करके जीत करके भी बैठे हो तब भी आप हार सकते हो, और आप एकदम जीरो पे हो तब भी आप जीत सकते हो। जीरो पे अरविंद केजरीवाल जी थे, वो देखिए जीत गए, और बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी थी उसका क्लीन स्वीप हो गया। ये रास्ता ही ऐसा है जो कांटों भरा है, आप इसको आसान मत समझिए, आपको हर दिन काम करना है। बिल्कुल, चलिए एके मिश्रा जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की, और यहाँ पे समय की कमी के चलते इस चर्चा को समाप्त करने का समय है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका।